बरेली के भुता थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस वक्त एक ट्रैक्टर पलटने से 3 लोग दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जब वह ट्रैक्टर की सर्विस कराने के लिए भुता जा रहे थे। इस दौरान कैलाश नदी के पुल के पास ट्रैक्टर एक पुलिया से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर के चारों पहिए ऊपर हो गए, वहीं उस पर सवार 3 लोग ट्रैक्टर के नीचे दब गए। गनीमत रही कि मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने समय रहते किसी तरह 3 लोगों को ट्रैक्टर के नीचे से गंभीर हालत में बाहर निकाल लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल भेज दिया। वहीं इस हादसे को लेकर राहगीर पवनीत मौर्य और मिथुन मौर्य ने बताया, वह भुता से बीसलपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बरेली बीसलपुर मार्ग पर कैलाश पुल से पहले एक पुलिया की टूटी रेलिंग से ट्रैक्टर गहरी खाई में पलटा दिखाई दिया, जिसके नीचे 3 लोग दबे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने अपनी बाइक रोकी और वहां से गुजर रहे अन्य राहगीरों से ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बचाने की अपील की, जिसके बाद कई लोगों को इकट्ठा कर ट्रैक्टर के नीचे दबे पिता पुत्रों को बाहर निकाला। वहीं एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया, जहां पुलिस ने 3 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया। वहीं इस हादसे को लेकर भुता थाना क्षेत्र के मिल्क गोटिया निवासी घायलों के परिजनों ने बताया, सुहन लाल अपने 2 बेटों अवदेश और सोबरन उर्फ सुरेन गंगवार के साथ ट्रैक्टर की सर्विस कराने भुता जा रहे थे, जो गैस भराने के लिए एक सिलेंडर को भी ट्रैक्टर की सीट पर रखकर ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में चढ़ाई पड़ने पर गैस सिलेंडर सीट से खिसक कर ट्रैक्टर चला रहे अवदेश के ऊपर आ गया, जिसे पीछे हटाने के दौरान चालक आगे नहीं देख पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कैलाश पुल के पास बनी इस पुलिया की पिछले लंबे समय से रेलिंग टूटी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कोई मरम्मत नहीं कराए जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस हादसे में घायल पिता पुत्रों का गंभीर हालत में बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छा, ये रिश्ते में कौन है, मतलब आपस में भाई भाई हैं, कौन है ये लोग? आपके भाई लगते हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनका क्या रिश्ता है आपस में? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितने लोग हैं जो घायल हुए? अच्छा, परिवार के ही है। कहाँ से आ रहे थे लोग? अच्छा, ये कहाँ गए थे? मुता जा रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? अब यहाँ पता नहीं, वो तो वही लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर में तो उनका कोई सवाल ही नहीं उठता है, अलग चढ़ाते सोसाइटा डाल सकता था, यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टर आ जाए। अब उनसे बात करते पता चलेगा क्या हुआ है। अच्छा, कैसी क्या हालत है उन लोगों की? अभी हालत भाई की तो बहुत गंभीर है और पापा की भी गंभीर ही है। अच्छा, पूरा हिस्सा उठा के लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ तक हाथ पैरों में अच्छी खासी चोट लगी है। मैं उधर से जब बोता की ओर से निकला तो यहाँ पे देखा कि एक ट्रैक्टर खाई में गिर गया है, तो गिरने के बावजूद 3 बंदे नीचे दबे थे। 3 बंदे जब दबे थे तो मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता था, 2 बंदों को रोक रोक के ट्रैक्टर पे सहारा लगा के धीरे धीरे 3 को तो निकाल लिया है। बाकी एक तो ज़्यादा गंभीर है, 2 की समस्या, 2 तो अभी सही है कुछ, लेकिन उसके बाद एक ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर एम्बुलेंस आई, फिर उन 3 लोगों को लेके गई है, जिनके परिजन भी आ गए। फिर